हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल एंड यू आर वाचिंग एक के डेकने। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीवो Y20 की स्पेसेस लीक हुई हैं और बताऊंगा क्या इसकी प्राइस आने वाली है, क्या इसका प्रोसेसर अच्छा है, क्या गेमिंग फोन है या कैमरा फोन है, बताऊंगा इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों वीवो Y20 में आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 10 ओएस डुअल सिम विद 4G एंड यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 जो कि काफ़ी पुराना है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर करूंगा स्नैपड्रैगन 665 के साथ। सो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना पावरफुल है कितना वीक है। IPS LCD स्क्रीन है 6.53 इंचेस की और यहाँ पर फुल HD प्लस डिस्प्ले है। 4GB 128GB का वेरियंट होने वाला है। माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है। बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप, इसमें मेन कैमरा है 16 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का एक और सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का एक और सेंसर है जो कि डेप्थ सेंसर होने वाला है। LED फ्लैश और जो फ्रंट कैमरा है वो भी 16 मेगापिक्सल की है। USB पोर्ट की बात करूँ तो माइक्रो USB पोर्ट है और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती। 5000 mAh की नॉर्मल बैटरी है। 3.5 mm जैक भी है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो है वो रेयर माउंटेड है। जायरो यहाँ पर मेंशन नहीं है, सो आई थिंक नहीं होगा। बात करूँ इस फोन के डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा है, 395 का PPI है और इसकी जो प्राइस होने वाली है वो होने वाली है 36,000, लेकिन बहुत ही ज़्यादा है प्राइस क्योंकि ये जो प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा पुराना है। मेरे हिसाब से इस फ़ोन की प्राइस होनी चाहिए 25 से 26,000, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा पुराना है और इसकी जो स्पीड है वो है 1.8 GHz। सो आई विल रिकमेंड यू व्हेन इट विल बी लॉन्च, इसकी जब प्राइस आएगी तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। ओवरऑल आपको ये फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आपको ये फोन कैसा लगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।